विधानसभा बजट सत्र का आज दूसरा दिन है। आज सदन में राज्यपाल के अभिभाषण पर सरकार की ओर से धन्यवाद प्रस्ताव लाया जाएगा। पूरा सत्र हंगामेदार रहेगा इसलिए पूरी संभावना है। विपक्ष ने तो सरकार पर हमला बोलना शुरू भी कर दिया है। भाजपा विधायक ने नियोजन नीति को लेकर सरकार को घेर रहे हैं। वह मुख्य गेट पर धरना प्रदर्शन में बैठ गए हैं। विधायकों ने कहा कि स्थानीय और नियोजन नीति के नाम पर हेमंत सरकार युवाओं के साथ खिलवाड़ कर रही है, उनका भविष्य दांव पर लगा रही है। सरकार के खिलाफ भाजपा विधायकों ने जमकर नारे लगाए, साथ ही मुख्यमंत्री से इस्तीफे की भी मांग की। कहा कि जल्द नियोजन नीति लागू किया जाए। आपने कहा था 5 लाख नौकरी देने की, निश्चित रूप से बहुत लोगों को नौकरी मिलती, लेकिन आपने हमारी सुनी नहीं और अहंकार में चूर होकर आपने नियोजन नीति हमारी रद्दी की टोकरी में फेंका। आपकी नियोजन नीति हाईकोर्ट ने रद्दी की टोकरी में फेंका और फिर से आप हमारी जो रघुवर सरकार की नियोजन नीति है उसी रास्ते पर चल रहे हैं। अब सवाल एक उठता, सवाल ये है कि अगर किसी नौजवान का आयु लैप्स कर गया, अब फॉर्म भरने के लायक नहीं है, तो वैसे नौजवानों की संख्या कम से कम 5 लाख से ज़्यादा है, तो वो नौजवान क्या करेंगे? 5 लाख नहीं बल्कि मैं कहता हूँ 12-15 लाख से ज़्यादा होगी। वो नौजवान क्या करेंगे? क्या हेमंत सोरेन उनके बाल बच्चों का ठेका लेंगे? तो ये पूरी तरह से ये सरकार हठधर्मी सरकार है और इसको एक मिनट भी रहने का अधिकार नहीं है। पूछ रहे हैं युवाओं से कि 2016 का पहले का चाहिए कि बाद का चाहिए, आप क्या चाहते हैं? हम लोग क्या चाहते हैं? जो झारखंड हित में हो, झारखंड वासियों के हित में हो। मुख्यमंत्री जी तो गुमराह कर रहे हैं कि हम 1932 लाएंगे, 32 लाएंगे, आप 32 भी नहीं ला पा रहे हैं और जो था वो भी ख़त्म कर दिए। इसमें तो पीछे जा रहे हैं बेरोजगार, जो पढ़ लिख के बेरोजगार बैठे हुए हैं, जिनको उम्मीद था कि इस बार बहाली निकलेगा, हम बहाल होंगे। मुख्यमंत्री जी तो अपना लूट खसेट, कोयला चोरी, SPDC के माध्यम से, JSMDC के माध्यम से बालू तो लुटवा रहे हैं, टकाटक पैसा गिन रहे हैं, लेकिन बेरोजगार युवक खाने के लिए तरस रहा। चिंता तो उनको मुख्यमंत्री जी को करना चाहिए ना, जो बोले थे कि 5 लाख हम लोगों को रोजगार देंगे, ग्रेजुएशन किए हुआ व्यक्ति को 5,000 हम दे भत्ता देंगे, PG वाले को 7,000 देंगे, भाई किसको मिला? मुख्यमंत्री जी गुमराह करने वाले हैं, गुमराह कर रहे हैं, और बड़ा शर्म होता है ऐसे मुख्यमंत्री जिनका उम्र कम उम्र के मुख्यमंत्री हैं, इनको विकास करना चाहिए, यहाँ सुशासन लाना चाहिए, लेकिन बड़ा दुख के साथ कर रहे हैं कि झारखंड बिहार से भी बदतर हो गया है। और वैसे में महामहिम राज्यपाल को बिना विलंब किए हुए राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू करना चाहिए। अपने राज्य से जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।